नमस्कार, एचएस न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और उसके बाद से हम हर साल 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या है 26 जनवरी से जुड़ी खास बातें, ये हम बताएंगे आपको अपने साथियों के साथ 26 जनवरी के 26 खास फैक्ट्स। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसे अपनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। भारत का संविधान हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं में लिखा गया है। इसे संसद में हीलियम से भरे बॉक्स में संरक्षित करके रखा गया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1950 से 1954 के बीच गणतंत्र दिवस मनाने की कोई स्थायी जगह नहीं थी। इस दौरान किंग्सवे यानी राजपथ, लाल किला और रामलीला मैदान में गणतंत्र दिवस मनाने का आयोजन होता रहा। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। 26 जनवरी को हर साल मुख्य अतिथि को बुलाने का रिवाज है। पहली बार भारत में चीफ गेस्ट बनकर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो आए थे। 1955 में राजपथ पर हुई पहली परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को बुलाया गया था। इन 70 सालों में रिपब्लिक डे पर एज ए चीफ गेस्ट फ्रांस और यूके को सबसे ज्यादा बार इनवाइट किया गया। दोनों ही देशों को 5-5 बार इनविटेशन दिया गया। उसके बाद भूटान और रसिया को 4-4 बार आमंत्रण दिया गया। गणतंत्र दिवस पर हर साल विदेशी मेहमानों को बुलाने की परंपरा है, लेकिन साल 1966 में पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के निधन की वजह से किसी विदेशी मेहमान को बुलाया नहीं गया। भारत चीन युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद करने की वजह से पहली बार आरएसएस को परेड में शामिल किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 25 जनवरी 1963 को आरएसएस को परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया था। परेड की शुरुआत राष्ट्रपति के आगमन के साथ होती है। राष्ट्रपति के अंगरक्षक घुड़सवार तिरंगे को सलामी देते हैं। उसी समय राष्ट्रगान बजाया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि परेड में 21 तोपों द्वारा सलामी नहीं दी जाती है। इसकी जगह सेना की 7 तोपें, जिन्हें 25 पाउंडर्स कहा जाता है, ये सलामी देती हैं। 26 जनवरी की परेड के दौरान राष्ट्रगान का समय और 21 तोपों की सलामी आपस में इतना मेल खाता है कि राष्ट्रगान के शुरुआत ही पहली सलामी दी जाती है और राष्ट्रगान के अंतिम पलों में आखिरी सलामी दी जाती है। परेड में हिस्सा लेने वाले सेना के जवान स्वदेश में बनी इंसास राइफल लेकर चलते हैं, जबकि विशेष सुरक्षा बल के जवान इसराइल में बनी राइफल लेकर चलते हैं। परेड के एक दिन पहले अभ्यास के दौरान प्रत्येक दल 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि परेड के दिन 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। परेड का सबसे रोमांचक पार्ट होता है फ्लाई पास्ट। इसकी जिम्मेदारी वायुसेना के पश्चिमी कमान के पास होती है। रिपब्लिक डे के दिन देश के जवानों को अशोक चक्र और कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। उसके बाद परेड और मार्च होता है। परेड में हिस्सा लेने वाले सभी जवानों को कड़ी सुरक्षा से गुजरना पड़ता है। 1857 में सरकार ने राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार देना शुरू किया, जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अलग अलग क्षेत्र में बहादुरी के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। इस दिन परेड में हिस्सा लेने वाले दल सुबह 2 बजे तैयार होकर 3 बजे तक राजपथ पर पहुंच जाते हैं। अगस्त तक वे अपने संबंधित रेजिमेंट केंद्रों पर अभ्यास करते हैं। दिसंबर में दिल्ली आते हैं। परेड में हिस्सा लेने वाले विभिन्न दल लगभग 600 घंटे तक अभ्यास करते हैं। परेड के दौरान निकलने वाली झांकियों को दर्शक आराम से देख सकें, इसलिए उनकी जो स्पीड होती है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जाती हैं। परेड के दौरान राष्ट्रगान और अवॉइड विद मी बजाया जाता है। अवॉइड विद मी बजाने की वजह यह है कि यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पसंदीदा गीत था। इस साल पहली बार परेड में आजाद हिंद फौज के जवानों को भी शामिल किया गया है। इस बार की परेड में एक बार फिर से 11 साल बाद CISF की झांकी दिखाई देगी। रिपब्लिक डे पर इस बार दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा चीफ गेस्ट होंगे। उनके साथ उनकी पत्नी समेत उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी इस समारोह में शिरकत करेगा। सिरिल रामफोसा नेल्सन मंडेला के बाद दक्षिण अफ्रीका के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 26 जनवरी की परेड में अतिथि बनकर आने वाले हैं।
यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।